यूटीआई की समस्या सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि बच्चों में भी पड़ने लगी है। शरीर की सारी गंदगी को बाहर करने वाला यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बच्चों और न्यू बॉर्न बेबीज को भी हो सकता है। ऐसे में अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये बच्चों की किडनी को भी खराब कर सकता है। बता दें यूटीआई 3 तरह के होते हैं, यूरेथराइटिस, सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। यूटीआई के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बुखार के साथ सर्दी लगना, बार बार यूरिन आना या इरिटेशन होना। वहीं अगर बात की जाए न्यू बॉर्न बेबीज की तो इसमें वजन कम होना, इरिटेशन होना, भूख ना लगना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूटीआई होने के कारण क्या है। बच्चों में साफ सफाई का खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। साफ सफाई न रखने पर बैक्टीरिया यूरिथ्रा यानी कि मूत्र नली से पहुंच सकता है। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है, ऐसे में बच्चों में इन्फेक्शन होना कॉमन हो जाता है। तीसरा कारण, अगर आपका बच्चा किसी भी तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का शिकार है तो उसे यूटीआई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आपको बचाव के लिए क्या करना है? जितना हो सके बच्चे को पानी पिलाएं, लिक्विड इंटेक बढ़ाएं जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा अपने बच्चे को वॉशरूम यूज करने के बाद अच्छे से साफ सफाई करने का तरीका बताएं। शायद आप जानते नहीं लेकिन बबल बाथ लेने से यूरेथ्रा में जलन हो सकती है, ऐसे में सादे पानी से बच्चों को नहलाएं। बच्चों को ये जरूर बताएं कि वो ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके ना रखें और समय समय पर यूरिन पास करते रहें। इसके अलावा बच्चों को कॉटन के ढीले ढाले अंडरवेयर पहनाएं जिससे हवा पास होती रहे। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।